प्राइमरी के संदर्भ में आज के तथाकथित एमएयू के लिए मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जनमानस और राजस्थान के हितों के सामने अपनी हद धर्मिता छोड़ी। रिफाइनरी के संदर्भ में जो वो आज एमएयू के समारोह में बात कर रही थी वो राजस्थान के हितों के लिए रिफाइनरी के संदर्भ में कम कर रही थी और चुनावी भाषण ज़्यादा नज़र आ रहा था। आज जो 24% डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के बारे में वो गर्व से कह रही थी, वो 24% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर पिछले 4.5 वर्षों के अंदर क्या अतिरिक्त योगदान उन्होंने किया, ये भी उनको राजस्थान और देश और दुनिया को बताना चाहिए। वैट के माध्यम से गुजरात सरकार को जो टैक्स इन 4.5 वर्षों से दिया गया है, जो लगभग 1.5 हजार करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से अगर गणना करें तो 6 हजार करोड़ रुपए, वो 6 हजार करोड़ रुपए पूरे के पूरे उस लोन के ब्याज से कम है या ज्यादा है, उसका जवाब वसुंधरा राजे सिंधिया जी को देना चाहिए। राजस्थान के आर्थिक नुकसान जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने अपने अहंकार के कारण किया, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि हम लोगों ने पीएचडी की हुई है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बाड़मेर के क्रूड ऑयल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर $5 प्रति बैरल का प्रीमियम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह बताएं। क्या बाड़मेर का क्रूड ऑयल $5 प्रति बैरल रिलायंस और एसआर जैसी निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? 1,75,000 बैरल की अगर $10 प्रति बैरल के हिसाब से इस अंतर को का आकलन किया जाए, 17,50,000 डॉलर, अगर 17,75,000 डॉलर को 50 रुपए के हिसाब से भी हम लोग गणना करें, 50-55 के करीब डॉलर रहता, अगर उस हिसाब से हम गणना करें 76 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से ये राशि बनती है, और 76 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से अगर राशि बने और 365 दिन अगर ये क्रूड ऑयल हम लोग दे रहे हैं, 96 करोड़ तो लगभग 35,000 करोड़ के करीब ये प्रत्येक वर्ष के अंदर ये जो गैप है, और 4 साल से अगर हम लोग इस गैप को गणना करें तो 1,40,000 करोड़ रुपए, तो 1,40,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला का खेल के कारण राजस्थान के हितों के साथ जो समझौता हुआ उसके बारे में वसुंधरा राजे सिंधिया जी हमें बताएं, राजस्थान की जनता को बताएं। या तो जो बात कह रहे हैं तीनों के तीनों वो बात सही है गलत है? केन एनर्जी ने खुद ने भारत सरकार से इस बात की अनुमति मांगी कि बाड़मेर से निकलने वाला क्रूड ऑयल हमें विदेशी बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बेचने की अनुमति दी जाए और उसी मात्रा का क्रूड ऑयल हम भारत को लाकर और भारत के बाजार को देंगे, पर वो मांग भी उनकी मानी नहीं गई। इस पूरे
प्रकरण के पीछे किन किन लोगों के बीच में 1,40,000 करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ, इसके बारे में एक न्यायिक आयोग के माध्यम से जांच बैठानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये आज के दिन में मैं उनसे पूछना चाहता हूं और भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं। बाड़मेर में जो 4 वर्षों के अंदर रिफाइनरी नहीं लगाकर जो बेरोजगारी फैलाई गई, जो रोजगार अवसर थे उसे रोका गया, उसके बारे में कौन दोषी, इसके बारे में वसुंधरा राजे सिंधिया जी जवाब दें। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने आज बात करी एमओयू पर साइन होने के समारोह में कि मॉनसून के बाद में धरातल के ऊपर काम करेंगे, तो मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी को कहना चाहता हूं, अगर रिफाइनरी का प्लांट के फैब्रिकेशन या रिफाइनरी के प्लांट का इरेक्शन मानसून के जस्ट बाद में जो उन्होंने राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, अगर वो लगेगा ये दोनों का दोनों, तो मैं स्वयं उस बात के लिए, उनकी विश्वसनीयता के लिए बधाई दूंगा। और अगर प्लांट नहीं लगेगा तो आज जो हालात बने हुए हैं, आप लोगों में से कोई जाकर बालोतरा के अंदर और पचपदरा में देख सकते कि उनकी विश्वसनीयता क्या। ये वही वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं जिन्होंने बाड़मेर के स्थानीय नेताओं के माध्यम से विवाद किया और भाषा और भाषणों की जो बाड़मेर में कभी परंपरा नहीं रही उसका भी उल्लंघन किया, लाशों के ऊपर भी भाषा और भाषणों का उपयोग हुआ। उन्हीं लोगों को वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने पुरस्कृत किया कि बाड़मेर के अंदर बाड़मेर का विकास रुके, ये उनकी सोच है और ये उनका कार्य है। उसके बारे में मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी को पूछना चाहता हूँ। सर 40,000 की हमने बचत कर ली है, 40,000 करोड़, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो पैसा बर्बाद करी थी, हमने तो 40,000 करोड़ बचाए। ये जो एमएयू के अंदर ये 40,000 करोड़ रुपए बचत करने का बात कर रही है, ये आंकड़ों का खेल है। 40,000 करोड़ रुपए का कोई भी बचत इसके अंदर नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष चीज वो अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर कराकर, और एमएयू का आने वाले समय में जब अध्ययन करेंगे, जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि 1 रुपए की भी कोई बचत नहीं हुई है, सिर्फ देरी जरूर हुई है इसके अंदर। सर लगातार आप कई सालों से रिफाइनरी के मुद्दे को लेकर बात करते हैं, इसको लेकर आपने कई बार बात की है सरकार से, की है रिफाइनरी का शिलान्यास भी यूपी सरकार द्वारा किया गया था, तो आपकी बात हुई होगी एमओयू में क्या ऐसी चीज आपके हाथ में, वो एमओयू या एमओयू से जुड़ी हुई बातें आई जिसमें आपको ये लगे कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है? एमओयू आज साइन हुआ है, अभी तक एमओयू सार्वजनिक नहीं किया। जब एमओयू सार्वजनिक करेंगे तो उसका अध्ययन कर कंपैरेटिव अध्ययन कर ही उसके अंदर जो प्रथम दृष्टि से जो चीज नजर आ रही है उसके बारे में मैं आज बोल रहा हूँ। जब एमओयू हाथ में आएगा तो उसका अध्ययन कर जो इस आधार पर हम लोग बोल रहे हैं वो एमओयू का अध्ययन अपने आप ही ताहित करेगा। सर जब भी आपसे रिफाइनरी की बात हुई तब गुजरात और अंबानी इसमें जरूर मेंशन हुए, तो ये घोटाला जो आप बता रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का जो भी है, तो क्या इसमें भी अंबानी एंड गुजरात का कहीं कहीं रोल है? ये घोटाला मैं तत्वों के आधार पर कह रहा हूँ, या तो सरकार इन तत्वों को नकारे, अगर ये तत्व नहीं है जिसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मैं सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगूंगा। सर यूपी सरकार के वक्त आपके जो साथी थे भाई तो विधायक वो रिफाइनरी को लेकर खूब बोलते थे, लेकिन इस बार कैलाश जी तो कल फिर भी एक टीवी चैनल बोल रहे थे लेकिन सांसद साहब की प्रतिक्रिया कोई आई नहीं, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा में जाने के बाद थोड़ी सोच कम? हमारे आदरणीय वर्तमान के सांसद कर्नल सोनाराम जी की वो सिर्फ भाषा थी, उसके पीछे जो ताकत थी और पीछे जो लोग थे वो आज
बाड़मेर ही नहीं सबके बीच के अंदर ये इस चीज़ का खुलासा हो चुका, वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी खुद थी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उनसे वो बोल बुलवाई, इसकी जिम्मेवारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी को लेना चाहिए कि वो एक सीमा से आगे बुलवा कर उनसे, जो कभी भी बाड़मेर की राजनीति के अंदर इससे पहले भाषा का उपयोग नहीं हुआ, उसके बाद में उसका पारितोषण भी उन्होंने सार्वजनिक तौर के ऊपर दिया, पुरस्कार पुरस्कृत भी उन्होंने सार्वजनिक तौर के ऊपर दिया। सर, आम जनता आज वो नहीं बोल रहे हैं जी। उनके सार्वजनिक तौर पर ये स्टैंड था कि मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाने दूंगा, उस संदर्भ में उनको खुद को अपनी बात का खुलासा करना चाहिए। सर, आम जनता का एक हिस्सा ये कहता है कि यूपी सरकार के वक्त जब आप सत्ता में थे तभी चुनाव से एन वक्त पहले आपने शिलान्यास करवाया, चार साल तक रिफाइनरी रिफाइनरी के खूब नारे और शोर हुआ, और भाजपा भी उसी राह पर है, चुनाव से दो साल पहले यही कर दी जो आपने थोड़ा चुनाव से पहले कर दिया। यूपीए सरकार से पहले रिफाइनरी रिफाइनरी की राह ही नहीं थी। यूपीए सरकार के अंतिम चरण के अंदर ही बाड़मेर के अंदर क्रूड ऑयल की इतनी बड़ी तौर के ऊपर दोहन चालू हुआ। जब इतनी बड़ी मात्रा के अंदर बाड़मेर में दोहन चालू हुआ, उस वक्त ये मांग उठाई गई और उस मांग को अमली जामा पहनाने के लिए जितना पहले वर्ष के अंदर ही यूपीए सेकंड के अंदर यह मांग नहीं थी, यूपीए सेकंड के अंदर कम से कम दो ढाई तीन साल बाद ये इस चीज़ का हुआ, और उस समय से लेकर एक डेढ़ साल के अंदर ये पूरे का पूरा फैसला किया गया। एक आश्चर्य की तो ये बात, एक तरफ तो एसबीआई जैसे बैंक को दूसरे नेशनलाइज बैंक को मर्ज कराकर और बहुत विश्वसनीयता की बात कर रही है केंद्र सरकार, और उसी एसबीआई की एसबीआई कैपिटल की रिपोर्ट के को ही आज नकार रही है वो, कि वो सरकार भारत सरकार ने खुद ने एसबीआई के संदर्भ में, एसबीआई कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, एसबीआई कैपिटल जिसके रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये समझौता हुआ था, एमओयू हुआ, आज वो एसबीआई की विश्वसनीयता के ऊपर सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है, क्या ये बैंकिंग सेक्टर के लिए और क्या ऐसी बड़ी संस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जाना सही है या नहीं है। सर, एसबीआई को मर्ज करने की बात है, नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी के मसले को लेकर भी कांग्रेस ने काफी विरोध किया, लेकिन जनता का साथ नहीं मिला। जनता का साथ कैसे नहीं मिला? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक निष्पक्ष आकलन करो, 10 विधानसभा चुनाव के अंदर उपचुनाव हुए, 10 के अंदर 5 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती, 4 में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी और 1 तृणमूल कांग्रेस जीती, उसके बावजूद कि निष्पक्ष तौर पर आप लोगों का ये चुनाव भी, मैं लेटेस्ट चीज़ उसके बारे में बता रहा हूँ, यूपीए चुनाव के बाद के अंदर जनता ने मैंडेट दिया उसके बारे में बता रहा हूँ, उससे पहले के बारे में भी अगर बात करें तो पूरी करें, पूर्णता करें, जो बीच बीच में से टुकड़े नहीं। 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, दोनों के दोनों लोकसभा उपचुनाव के अंदर यूपीए के घटक दल ने वो सीटें जीती, तो उसके बाद में आप ये सवाल ही अगर इसके खुद के नतीजों का आकलन करेंगे तो अपने आप ही आपको जवाब मिलेगा कि जनता किस तौर पर किसके लिए। हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक सवाल करोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पराजय किस कारण मिली है, तो उसके बारे में ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरा निजी आकलन है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये परिणाम क्यों मिला। पंजाब में सर जो जीत मिली है उसके बाद राजनीतिक खासकर कांग्रेस की जो प्रदेश पॉलिटिक्स है उसमें ये बता रहे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगामी चुनाव में हरीश चौधरी को मिल सकती है। हरीश चौधरी एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक के अंदर शामिल हुआ था, छात्र राजनीति से, आज भी एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रहा है। मेरा मानना है, व्यक्तिगत
व्यक्ति से बड़ा सोच और विचारधारा होती है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है। किसी व्यक्ति को कोई भी जिम्मेवारी मिले, किसी व्यक्ति को आगे किया जाए, वो कौन है? जो विचारधारा है, जो पार्टी है, वो आगे। आज से आज तक मेरा ये रुक रहा।